नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों, रेलवे में इस साल 1,00,000 पदों के ऊपर नई भर्तियां होने वाली हैं और यह सिर्फ कोई चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि दोस्तों इन भर्तियों का नोटिफिकेशन कब आएगा ये बात भी रेलवे अधिकारी ने अब बता ही दी है। तो दोस्तों, इस साल स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, इसके अलावा अन्य 5 से 6 पद और हैं जिनके ऊपर भर्तियां होने वाली हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो बड़ी खबर आई है वो आपको बताते हैं कि किस दिन से इन भर्तियों के आवेदन शुरू होंगे और कब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और पूरी जानकारी देखें उससे पहले, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर इसके पास में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, अब आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं पूरी खबर। तो दोस्तों आप देखिए, livehindustan.com ने खबर छापी है। इसमें दोस्तों बताया गया है, रेलवे में निकलेंगी ग्रुप सी व डी की 1.03 लाख भर्तियां, जाने कब आएगा नोटिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए खबर कब की है, ये खबर 9 फरवरी 2019 की दोपहर के 2 बजे की है, यानी दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। अब दोस्तों इसमें नीचे क्या बताया गया है वो आप पढ़िए, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2019 एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे हाल ही में खाली पड़ी रिक्तियों का आकलन करने के बाद 1.3 लाख नई भर्तियां शुरू करने जा रहा है। इसमें ग्रुप सी और डी के पद होंगे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में इन भर्तियों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना यानी कि दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब भी कोई भी भर्ती आती है तो पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और उसमें बताया जाता है कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और आवेदन किस तारीख को शुरू होंगे। तो दोस्तों फरवरी के अंतिम सप्ताह में, यानी कि दोस्तों 25 फरवरी के बाद में इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यकीनन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फिर नीचे दोस्तों इसमें और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं कि किस पद की कितनी वैकेंसियां होंगी। यादव ने बताया कि रेलवे अब एक ही पद रिक्त नहीं रहने देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो जिस हिसाब से रेलवे 2018-19 में रिक्रूटमेंट निकाल रहा है, भर्तियां कर रहा है, एक बात तो तय है, रेलवे में अब चुनाव से पहले पहले जो भी वैकेंसी हैं सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे, एक भी पद रेलवे में खाली नहीं रहेगा। इसी क्रम में जल्द ही नई भर्तियां शुरू होने जा रहे हैं। रेलवे अगले 2 वर्षों के भीतर रिक्त होने वाले पदों का भी आकलन कर रहा है, यानी कि दोस्तों न सिर्फ अब तक जो पद खाली हैं बल्कि आगे 2 सालों में जो पद खाली होंगे, अभी हुए नहीं है बल्कि आगे होंगे, उनको भी रेलवे पहले ही भरने जा रहा है। आगे आने वाले 2 सालों के अंदर भर्तियां की जाएंगी। जैसे ही कोई कर्मी सेवानिवृत्त होगा उसके अगले दिन ही उसे अपनी उनकी जगह नया कर्मचारी आ जाएगा। कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं उनमें धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और दोस्तों यहां पर देखें नीचे, उन्होंने रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर भी बयान दिया है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट फरवरी के 2 सप्ताह में जारी किया जाएगा। अब देखें दोस्तों, इस खबर के अलावा एक और दूसरी खबर है, वो भी कल की है, livehindustan.com की, एक बार आप वो भी देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से पद होंगे। दोस्तों आप यहां पर देखिए, आरआरबी रिक्रूटमेंट 2019 पूर्वोत्तर रेलवे में इन 13,000 पदों पर निकलेंगी भर्तियां। ये खबर भी दोस्तों कल शाम के 7 बजे की है और 9 फरवरी की खबर है। अब दोस्तों नीचे क्या बताया गया वो आप देखिए, यहां पर बताया गया कि रेलवे में उत्तरी रेलवे में लगभग 14,000 पदों के ऊपर भर्तियां होंगी। इनमें से दोस्तों पदों के नाम देखिए आप, यहां पर नाम है सहायक लोको पायलट, गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, इसके अलावा टीसी यानी कि दोस्तों टिकट कलेक्टर, मिक्सल कलरक, गेटमैन, गैंगमैन, ट्रेकमैन। तो दोस्तों ये आपके पद होने वाले हैं इन 1,00,000 पदों में से। दोस्तों इसके अलावा स्टेशन मास्टर की जो भर्ती आएगी वो भी बड़ी भर्ती होगी, टिकट कलेक्टर की जो भर्ती आएगी वो भी बड़ी भर्ती होगी। दोस्तों फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा और इनके आवेदन मार्च में शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बड़ी खबर। मार्च में आप और नई भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, आपके लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका रेलवे में जो फिलहाल भर्तियां चल रही हैं इनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, इनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, और बड़ी भर्तियां भी अभी इसी साल चुनाव से पहले आनी है। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और ऐसे रेलवे भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आएगा हम आपके लिए सबसे पहले
पहले वीडियो लेकर आएंगे कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। आप इनके लिए आवेदन करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट statejobline.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।